नेक्स्ट है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, शार्पनेस या क्यू फैक्टर, क्यू फैक्टर का दूसरा नाम क्या है, क्वालिटी फैक्टर। शार्पनेस या क्वालिटी फैक्टर क्या चीज है, आपके पास बहुत सारे सिग्नल्स क्या चुके आ रहे हैं, शार्पनेस का मतलब कितना पीक वैल्यू अचीव किया एक सिग्नल ने, और पीक कौन अचीव करेगा, जिसका करंट क्या होगा, मैक्स, और करंट किसका मैक्स होगा, जो किसमें होगा, रेजोनेंस में, तो उसकी पीक वैल्यू ज्यादा होगी तो वो शार्प सिग्नल होगा, उसकी क्वालिटी हाई होगी, आप उस सिग्नल को सुनना या रिसीव करना पसंद करोगे और बाकी सिग्नल्स को रिजेक्ट करना पसंद करोगे। तो शार्पनेस में अगर मैं ये पूछूं कि बताओ इन तीनों सिग्नल से कौन शार्प है, आप बोलोगे ये शार्प है, इसकी पीक सबसे ज्यादा है, तो जितनी बड़ी शार्पनेस होगी उतनी बड़ी उसकी क्वालिटी होगी, तो क्वालिटी फैक्टर किसका ज्यादा है, इसका क्वालिटी फैक्टर, क्यू वैल्यू इसकी सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये ज्यादा शार्प है, इसकी पीक ज्यादा है। क्लियर है यहां तक? तो शार्पनेस या क्वालिटी फैक्टर यही बता रहा है आपको कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। अच्छा ये मैं समझाता हूं क्या है, ये पॉइंट समझ में आ गया यहां तक। अब क्वालिटी फैक्टर निकलता कैसे है मैथमेटिकली, बहुत सिंपल लॉजिक लगाया किसी ने, वो कहता है देखो क्वालिटी जितनी हाई होगी पीक उतनी बड़ी होगी, सिग्नल का अगर पीक ज्यादा होगा तो वो विड्थ में कम कम होगा, पतला होगा, और जिसकी पीक कम है वो विड्थ में ज्यादा होगा, विड्थ उसकी ज्यादा होगी। ठीक है, तो किसी ने क्या कहा, एक काम करते हैं, वो कहता दो फ्रीक्वेंसीज लेते हैं, एक ओमेगा वन और एक ओमेगा टू, इक्विडिस्टेंट, ताकि यहां पर करंट क्या हो जाए, मैक्सिमम डिवाइडेड बाय रूट टू, तो ये वैल्यू इससे बड़ी है और ये वैल्यू इससे बड़ी है, तो अगर मैं ओमेगा आर में से ओमेगा वन को माइनस करूं तो ये डेल्टा ओमेगा है, और ऐसी अगर मैं ओमेगा टू में से ओमेगा आर माइनस करूं ये भी डेल्टा ओमेगा है, तो इसका मतलब अगर ये डेल्टा ओमेगा है ये डेल्टा ओमेगा है तो इसका टोटल सम क्या होगा, टू इंटू डेल्टा ओमेगा, इसको बोलते हैं बैंडविड्थ। तो इसको बोलते हैं बैंडविड्थ, बैंडविड्थ का मतलब है इन दोनों फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन, और ये कौन सी फ्रीक्वेंसीज हैं, ये वो फ्रीक्वेंसीज हैं जब करंट सर्किट में 1/√2 टाइम मैक्सिमम हो जाता है, तो ये दो फ्रीक्वेंसीज ली और इनके डिफरेंस को क्या डिफाइन किया, बैंडविड्थ। अब क्यू वैल्यू मैथमेटिकली कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्यू वैल्यू है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो भी ओमेगा आर है, इसको डिवाइड कर दो बैंडविड्थ से। सोचो जिसकी पीक ज्यादा है उसकी बैंडविड्थ कम है, जिसकी बैंडविड्थ डिनोमिनेटर कम है उसकी क्वालिटी फैक्टर ज्यादा है, तो यानी कि पीक ज्यादा है बैंडविड्थ कम है, तो हम चाहते हैं कि हमारी बैंडविड्थ कम रहे ताकि क्वालिटी हमारी ज्यादा रहे। तो डिफाइन कैसे किया, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ टू टाइम्स डेल्टा ओमेगा, और टू डेल्टा ओमेगा का मतलब क्या था, ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन, तो ये बैंडविड्थ हो गई। अब वो कह रहे हैं ओमेगा वन ओमेगा टू क्या फ्रीक्वेंसीज थी जब करंट 1/√2 टाइम्स हो गया था मैक्सिमम करंट से, और ये मैंने आपको बता ही दिया कि अगर मैं ओमेगा आर में से ओमेगा वन को माइनस करूंगा, क्योंकि एक ओमेगा वन है एक ओमेगा आर है एक ओमेगा टू है, ओमेगा आर में से ओमेगा वन को माइनस करूंगा डेल्टा ओमेगा आएगा, या रीअरेंज करके ये टर्म आएगी, और ऐसे अगर मैं ओमेगा टू में से ओमेगा आर को माइनस करूंगा तो भी डेल्टा ओमेगा आएगा, तो ओमेगा टू ही आएगा, एक ही बात है, तो याद भी नहीं करना है तो वैसे ही पता है। ठीक, तो इसको बैंडविड्थ से बोलते हैं, और मैंने एंड में क्या लिख दिया, अगर क्यू वैल्यू हाई चाहिए तो बैंडविड्थ लो चाहिए, और अगर बैंडविड्थ लो होगी शार्पर इज द सर्किट होगा, और क्यू वैल्यू की कोई डायमेंशन होती नहीं है। क्लियर है यहां तक? क्यू वैल्यू पे ये डेफिनेशन आएगी, बैंडविड्थ के ऊपर आएगा, डायग्राम आएगा, और इसका बेसिक्स पता होना चाहिए, कोई ना कोई क्वेश्चन एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में क्यू वैल्यू पे आएगा।